Hello students, welcome to our channel Physics with Anand Khambolia. आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां तक नीट और जेईई एग्जाम के बारे में बात हो रही है। इस टॉपिक में से बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, लेकिन जो कॉमन मिसकंसेप्शन है इस टॉपिक को लेकर वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। So, मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आइए आज बात करते हैं हम वेलोसिटी के बारे में, क्या है वेलोसिटी एंड उसके प्रकार के बारे में। दो टाइप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले बेसिक बात हमको जानना जरूरी है स्टूडेंट्स की, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, So, आपको उसकी डायरेक्शन एज वेल एज वैल्यू दोनों फाइंड करनी होंगी या फिर बतानी होंगी। तो सबसे पहले वेलोसिटी को समझते हैं, बाद में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिक से हम जानते हैं कि वेलोसिटी इट इज नथिंग बट चेंज इन पोजिशन, ठीक, चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि आपका पार्टिकल जो है वो समय के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो मोशन में है, और यदि वो मोशन में है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। अभी इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि वेलोसिटी को हम कैसे निकालें, और उससे पहले पोजीशन। अभी देखिए कि कोई एक पार्टिकल जो है वो इस लाइन पे ये पॉइंट ए से लेके बी तक चल रहा है, ठीक है, और कुछ डी जितना कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। तो ये डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, वो हम जानते हैं कि यदि ये पॉइंट जो है वो x2 है, ये पॉइंट x1 है, तो हम x2 माइनस x1 ये d कैसे लिख सकते हैं, हम x2 माइनस x1, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गई पोजीशन। बट क्वेश्चन इज कि क्या हम एक पॉइंट पे वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं? कहीं कभार आपने ऐसा देखा भी होगा, शायद देख लीजिए ध्यान से, ये ट्रैक है, इस ट्रैक पर ये एक बंदा जो है वो कुछ इस तरह से रन कर रहा है। अभी ये जब यहां पे होगा, आई मीन ये पॉइंट पी के बारे में बात हो रही है, ये पी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? बहुत सारे रेफरेंस बुक्स, क्वेश्चंस, पेपर्स में आपने देखा होगा कि दी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी समथिंग गिवन, लेकिन एक पॉइंट पे तो आप वेलोसिटी निकाल ही नहीं सकते। वेलोसिटी के लिए चाहिए आपको एटलीस्ट टू पॉइंट्स, एक पॉइंट पे आप वेलोसिटी की बात कर ही नहीं सकते। तो फिर ये जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है? चलिए इसको समझते हैं। कुछ ऐसा आप विजुलाइज कीजिए कि यहाँ पे मेरे पास एक टनल है, ये कोई एक टनल है, ये दीवार है। अभी इस दीवार के पीछे फिर से ये बंदा जो है वो दौड़ रहा है इस डायरेक्शन में, और यहां हमारे पास एक स्लिट है, एक विंडो है जिसमें से हम उसे देख रहे हैं। तो क्या इसमें से देख के, हल्का सा बहुत ही माइन्यूट इसमें से देख के आप उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि आपके पास और कोई रेफरेंस ही नहीं है। लेकिन यदि मेरे पास एक और स्लिट यहां पे हो, तो ये जब इसमें से पास होगा स्लिट नंबर वन में से, उसके बाद तुरंत यदि वो स्लिट नंबर टू से निकलेगा, तब इन दोनों से झांक के आप बता सकते हैं कि इसने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई होगी। बट इसलिए तो आपको दो पॉइंट चाहिए होंगे ना, तो इस एक पॉइंट पे आप कैसे वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं? तो जो हम जानते हैं कि ये दोनों पॉइंट हमारे के लिए मायने रखते हैं, वी नीड द रेफरेंस, विदाउट दिस टू पॉइंट्स वन कैन नॉट डिफाइन द वेलोसिटी एट ऑल। सो व्हाटएवर यू आर डिफाइनिंग द वेलोसिटी ऑन अ सिंगल पॉइंट एट एन इंस्टेंट, वो जो एक इंस्टेंट में आप वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे है, अभी इसके बारे में बात करते हैं, आइए देखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो ये छोटे से इंस्टेंट की बात हो रही, ये इंस्टेंट ये बहुत ही छोटा dx ले लेते हैं,
लेकिन इसको समझे कैसे? हम तो ऐसे ही लिखते हैं ना, v इज इक्वल्स टू चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन ये तो बहुत ही छोटा सा इंस्टेंस है, तो इसलिए क्या किया कि यदि इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी चाहिए तो इसके बिल्कुल नजदीक एक पॉइंट हमने ले लिया एक्स टू, और इसके एकदम इस वाले एरिया पे ले लिया एक्स वन। अभी आप देखिए x2 minus x1 will be dx, small quantity होगी। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी निकल कर आ रही है वो कौन सी हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं v इंस्टेंटेनियस। तो यदि जब भी आप अभी किसी भी बुक पे बात कर रहे हैं, कोई कुछ भी पढ़ रहे हैं और ऐसा आपको पढ़ने में आए द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट p इज 2 मीटर पर सेकेंड, तो वो कौन सी होनी चाहिए? बाय डिफॉल्ट इंस्टेंटेनियस होनी चाहिए। वो इंस्टेंट पे आप बात कर रहे हैं। चलिए आइए अब आगे बात करते हैं कुछ एवरेज वेलोसिटी पर। अभी देखिए यहां से हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ इसको यहां से देखते हैं और यहां से देखते हैं। तो जब हमने इसको यहां से देखा उसके बाद शायद यहां पे उसने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज की हो सकती है, फिर से इंक्रीज की हो सकती है, कुछ डिक्रीज हो सकती है, थोड़ी देर के लिए वो रुका भी होगा शायद, हमें पता नहीं क्योंकि हम देख नहीं रहे, फिर से उसने बढ़ाई होंगी कुछ कांस्टेंट मेंटेन कर लिया और उसके बाद हमने उसे यहां पे देखा। पहले कहां पे देखा था? पहले यहां पे देखा था। तो हमको पता नहीं है कि बीच में क्या हुआ, इसलिए हम जो वेलोसिटी ये दो पॉइंट के बीच में कंसिडर कर रहे हैं उसे हम ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू डेल्टा x बाय डेल्टा t। लेकिन यह तो डेल्टा x बहुत ही बड़ा है, तो वो शायद इंक्रीज हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी, जीरो भी हो चुकी होगी, लेकिन ऐसी जो वेलोसिटी है उसको यदि हम ऑब्जर्व करके निकाल ले तो वो हो जाती है एवरेज वेलोसिटी। तो ये जो है वो क्या है? एवरेज वेलोसिटी। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। नाउ द क्वेश्चन इज, देखिए ऐसा नहीं है कि दोनों अलग है, दोनों सेम ही है। यदि आप स्मॉल इंस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो जाएंगी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यदि आप अपना डिस्प्लेसमेंट को लार्ज ले लिया, थोड़ा सा ऐसा बड़ा ले लिया, तो वो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो यदि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही हो तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के दोनों तरफ के स्मॉल सेगमेंट को लेके बात हो रही होगी, और यदि एवरेज वेलोसिटी होगी तो वो कुछ ब्रॉड एरिया से बात हो रही होगी। इसलिए आपने ऐसा कभी सुना होगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अ काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी विच कैन नॉट चेंज। तो चेंज नहीं करेगा ना, अभी इतने स्मॉल अमाउंट में तो यदि ये ऐसे सोचेगा कि मैं कुछ वेलोसिटी चेंज करूं तब तो वो गुजर गया होगा, इट विल पास थ्रू इट। तो उसके पास टाइम ही नहीं है वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने को या मैग्नीट्यूड चेंज करने को, तो उसको बोला जाता है इंस्टेंट वेलोसिटी। तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है, इंस्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट पे निकालते हैं उसका सेगमेंट वगैरह कुछ लेके, और एवरेज वेलोसिटी को कुछ बड़े से पोजीशन, बड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए ही यूज करते हैं। अब आइए चलिए इसकी डायरेक्शन को लेके कुछ बात कर लेते हैं। ये कॉमन कंसेप्ट जो है डायरेक्शन वाला वो हमारे जहन में होना बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं, मान लीजिए कि कोई पार्टिकल जो है वो ऐसे कुछ मोशन कर रहा है यहां से लेके, तो मैंने ले लिया पॉइंट ए, यहां है पॉइंट बी, और आगे चल के हुए वो आ रहा है सी पे। लेकिन ये जो पॉइंट बी है यहां पे, ये बी पॉइंट है, उस पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? तो एवरेज वेलोसिटी विल बी ऑलवेज द लाइन जॉइनिंग दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि वो तो यहां से कभी यहां पे शायद वो रुक भी गया होगा, ये कुछ ज्यादा स्पीड हो गई होगी, कम हो गई होगी, हमें पता नहीं। तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहां पे होगी? वो तो हम इस छोटे से इंस्टेंट में बात कर रहे हैं, वहां तो वो डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर सकता। तो ये जो इस पॉइंट पे उसका यदि आप कुछ टेंजेंट वगैरह बना ले तो ये आ जाता है वी इंस्टेंटेनियस। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये एवरेज वेलोसिटी। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट।
और ये कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, उसके साथ अप्लाई करना भी उससे ज्यादा जरूरी है. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट अ काइंड ऑफ न्यू कंसेप्ट. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. यदि आपके कुछ सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर आप बता सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. थैंक यू.